सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि सत्ता में बदलाव का सबसे पहले पता किसको चलता है? क्या जनता को सबसे पहले सत्ता बदलने का एहसास होता है? क्या नेताओं को सत्ता पलटने का ख्वाब आता है या अफसरों को सत्ता बदलने की महक आती है? इन तीनों ही ऑप्शनों में सबसे बड़ा जवाब, सबसे खराब जवाब है अफसर। अफसरशाही को सबसे पहले पता चल जाता है कि मिजाज क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है और अगली बार सत्ता किसके आने वाली है। यही वजह है कि हर बार चुनाव से पहले अफसरों का मिजाज भी सत्ता के हिसाब से बदल जाता है। जब सत्ता बरकरार रहनी होती है तो अफसर सरकार के साथ जुड़े रहते हैं, मंत्रियों के साथ खिले रहते हैं और सरकार को अच्छे अच्छे सुझाव देने का काम करते हैं। लेकिन जब ये सत्ता पलटने की बारी आती है तो अफसर भी पलट जाते हैं। वो सत्ता पक्ष के नेताओं के बजाय विपक्ष के नेताओं की हाजिरी मारने लगते हैं। जिस पार्टी की सत्ता आ रही होती है वो वहाँ पर माथा टेकने लग जाते हैं। हरियाणा में 2024 को लेकर बदलाव का बड़ा इशारा अफसरशाही दे रही है। पिछले लगभग 6 महीने से हरियाणा के अफसरों में एक बड़ा बदलाव आया है। अब वो जहाँ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी जेजेपी के साथ रहने का दिखावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं। चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो और चाहे किरण चौधरी हो, इन सभी बड़े नेताओं के साथ अफसरों की अब गिटपिट होने लगी है और अफसर उनके दरवाजे पर पहुंचने लगे हैं। कुमारी शैलजा ने 2 दिन पहले ही खुद के सीएम की दावेदारी को पेश करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद हरियाणा के कई अफसरों का मन भी बदल गया है और उन्हें शैलजा में भावी सीएम दिखने लगा है। यही वजह है कि अब उनके दरवाजे पर बड़े अफसर पहुंचने लगे हैं। आप खुद ही देखिए, एक हरियाणा का एक बड़ा जेल का सुपरिटेंडेंट किस तरह से शैलजा के दरबार में पहुंच गया। ये हैं संजय पातड़। संजय पातड़ कुमारी शैलजा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। कभी देवीलाल परिवार के खासम खास रहे, कभी चौटाला के आशीर्वाद से जेल सुपरिटेंडेंट बने, संजय पातड़ का शैलजा के पास जाना बेहद चौंकाने वाली बात कही जाएगी। कुमारी शैलजा के पास संजय पातड़ का पहुंचना इस बात का सबूत है कि जहां कुमारी शैलजा को सीएम पद के लेकर एक गंभीर दावेदार के तौर पर अफसरशाही देख रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सत्ता बदलने के आसार बन गए हैं। हरियाणा के ब्यूरोक्रेसी पहले भी मौके के अनुसार अपना रुख बदलती आई है। पिछले 9 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। 2019 के बाद बीजेपी के साथ जेजेपी भी गठबंधन की पार्टनर है, सत्ता की साझेदारी है। 2024 के लिए हरियाणा की जनता के बदले हुए मिजाज को अफसरशाही बखूबी समझ रही है और इसी बदली हुई सीरत के तौर पर इन बदले हुए हालात के हिसाब से और पलटती हुई सत्ता के मिजाज को समझते हुए अब अफसर आगामी सत्ता के बड़े नेताओं की चौखट पर पहुंचने लगे हैं। संजय पातड़ का कुमारी शैलजा के पास पहुंचना कोई इत्तेफाक या छोटी बात नहीं है, बल्कि वो एक क्लास के अफसरों का नई सरकार के साथ, नई सत्ता के साथ अभी से संपर्क ठीक करने का आगाज कहा जा सकता है। क्योंकि अफसरों को पता तो है कि सरकार की नज़दीकी का, सरकार के सहयोग का, सरकार के आशीर्वाद का फायदा कैसे उठाया जाता है। संजय पातड़ जेल विभाग के उन 23 अफसरों में शामिल हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं, जो सत्ता के हिसाब से पाशा पलट लेते हैं और हमेशा सत्ता के साथ अपना फायदा देखते हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान और जनता में चल रही उनकी सीएम पद की दावेदारी को मद्देनजर रखते हुए ही संजय पातड़ उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच गए हैं। हरियाणा के दूसरे बड़े अफसर भी अब इसी रास्ते पर चल रहे हैं। अधिकांश अफसर अभी चोरी छुपे या फोन के जरिए बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भूपेंद्र हुड्डा के पास अफसरों की हाजिरी लग रही है, उनके कामों को फटाफट किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला के पास भी अफसरों के अब काफ़ी फोन आने लगे हैं। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के लिए भी अब अफसरों के मन में पॉजिटिव भावना आ गई है, क्योंकि अफसरों को अभी तक ये एहसास नहीं है, ये क्लियर पॉइंट नहीं है कि इन चारों नेताओं में से कौन सा नेता 2024 में सीएम बन सकता है। यही वजह है कि अफसर चारों ही नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चारों के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुमारी शैलजा ने 2 दिन पहले जब खुद को विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा इच्छुक बताया तो उसके बाद से उनकी सीएम पद की दावेदारी को लेकर भी बड़ा वजन मिल गया है।
अभी तक ये कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा सेंटर की पॉलिटिक्स करेंगी और भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने में सफल हो जाएंगे और उनके रास्ते की रुकावट बनने का काम रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी करेंगे। लेकिन कुमारी शैलजा के नए पैतरे ने जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए परेशानी खड़ी करने का काम कर दिया है, वहीं एसआर के तिगड़ी को भी नई मजबूती देने का काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक नया जो चिराग जला है वो अफसरशाही के रास्ते में जला है। अफसरशाही को लग रहा है कि गांधी परिवार के आशीर्वाद के चलते, गांधी परिवार के विश्वास के चलते, गांधी परिवार के विश्वास मत के चलते कहीं ना कहीं एसआर के तिगड़ी में से एक नेता सीएम बन सकता है और इसलिए अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ अब बड़े अफसर इन तीनों नेताओं के साथ भी पहुँचना शुरू हो गए हैं। हरियाणा के सियासत में हमेशा अफसरशाही एक बड़ी भूमिका अदा करने का काम करती है। जहां बीजेपी की सरकार में लगभग 2 दर्जन आईएएस और आईपीएस अफसर रिटायर होने के बाद अभी तक घर नहीं गए हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मलाईदार पोस्टों पर बैठकर ऐश कर रहे हैं। अब अगले अफसरों के लिए भी अगली सरकार के दरवाजे अभी से नज़र आने लगे हैं और वो अपने फायदे के लिए अभी से बड़े नेताओं के साथ अपनी सेटिंग करने लग गए हैं। कुमारी शैलजा का बदलावा मिजाज भी आपको जरूर देखना चाहिए। बिना ओहदे के हम कुछ लोग तो अपने ओहदों के पीछे भागते हैं, ओहदे लेना चाहते हैं, ओहदे ले लेते हैं। हाई कमांड हमको बहुत इज्जत मान देती, लेकिन क्या हम लोग अपने कार्यकर्ता को उतना इज्जत उतना मान दे सकते हैं? क्या हमने दिया है? कितने पद हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिए? क्या हमने जमीन पर जो काम कर रहा है कार्यकर्ता, और मैं ये पिछले कई सालों की बात कर रही, और क्यों भिड़े? क्योंकि उनको लगा कि उनकी सुनवाई और निष्पक्षता नहीं नजर आएगी। पर्यवेक्षक खुद किस तरह की बातें करते हैं, एक पक्ष की बात की जाती है तो निष्पक्षता कहाँ? पहले ही आप अपना रुख दिखाते, और ये रुख आपने तब दिखा दिया जब प्रभारी और ये पर्यवेक्षक जिस तरह से चार पांच लोगों को छोड़कर आप बताइए कोई निष्पक्ष नजर आया आपको उसमें, जो भी प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए? और जो बाहर के जिनसे उम्मीद थी, जो हमारे मेन प्रभारी जी हैं, उन्होंने बाहर से उनको पर्यवेक्षक बनाया, स्टेट के नहीं थे, जो बाहर के पर्यवेक्षक, वो भी एक तरफा बातें करते दिख रहे हैं वीडियोस में। उनकी तो वीडियो बन गई, बाकियों की कईयों की बनी नहीं होंगी। हरियाणा के लोग अब मैं और मेरा की राजनीति नहीं, उनको चाहिए कि उनकी उनकी आवाज हो। आपस की खींचतान कब नहीं होती पार्टी, वो अलग बात, लेकिन इस तरह से कुछ लोगों को बिल्कुल बाहर किया जाए, उनकी सुनवाई ना हो। कुमारी शैलजा ने अपनी 30 साल की पॉलिटिक्स में कभी भी इस तरह का करारा मिजाज नहीं दिखाया जिस तरह से कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तलखी भरी भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, वो कुमारी शैलजा का सबसे आक्रामक अंदाज कहा जाएगा। इससे पहले कुमारी शैलजा ने इस तरह की भाषा, इस तरह के तेवर कभी नहीं दिखाए। ये तेवर, ये भाषा बता रही है कि कहीं ना कहीं हाईकमान के इशारे पर ही अब कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और वो 2024 के लिए सीएम पद के दावेदारी में मजबूत ताल ठोकने का काम करेंगी, मजबूत दावा पेश करने का काम करेंगी। यही वजह है कि संजय पात्र जैसे अफसर अब कुमारी शैलजा की तरफ पॉजिटिव निगाह से देख रहे हैं, उनको कुमारी शैलजा में सीएम बनने की बड़ी संभावना नजर आ रही है, इसलिए वो कुमारी शैलजा के पास पहुंचने लगे हैं। यानी आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा के बाद सीएम पद की दावेदारी में कुमारी शैलजा नंबर 2 पर पहुंच गई हैं और रणदीप सुरजेवाला नंबर 3 पर हैं और किरण चौधरी नंबर 4 पर हैं। अब देखने की बात यह है कि अफसरशाही का ये बदला हुआ मिजाज हरियाणा की पॉलिटिक्स में किस मोड़ की तरफ, किस हालात की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये जाहिर है कि जिस तरह से अफसरों का मिजाज बदलना शुरू हुआ है, जिस तरह से अफसरों का मूड बदलना शुरू हुआ है और जिस तरह से अफसरों ने नए रिलेशन बनाने की मुहिम शुरू कर दी है, वो इस बात की तरफ बड़ा इशारा कर रही है कि 2024 में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, अर्थात बीजेपी जेजेपी गठबंधन से सत्ता खिसककर कांग्रेस के पाले में जा सकती है। यही वजह है कि अफसरों ने भी अब अपने ठिकाने बदलने शुरू कर दिए हैं, अब नए खुट्टे तलाशने शुरू कर दिए हैं और वो नए आकाओं की तलाश में जुट गए हैं। ब्यूरोक्रेसी का ये बदला हुआ मिजाज हरियाणा की सियासत की सबसे ताज़ा तस्वीर पेश कर रही है।
हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते हुए प्रभाव, हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती हुई लालसा, हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी की अगली सरकार के प्रति सेटिंग को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।